हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा बेबी बूट, बेबी बूटीज, बेबी शूज लेके आई हूँ। तो देखिए, बहुत ही सुंदर मैंने ये बेबी बूट बनाया है और टू कलर में मैंने इसको बनाया है। आगे से मैंने इसमें फ्लावर डाले हैं और ये साइड में मैंने मोती वाला डिजाइन बनाया है। बहुत ही प्यारा सा ये बेबी बूट बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही अच्छे से इसकी फिटिंग बन के आई है। इसको मैंने 1-1.5 साल के बच्चे से लेके और 2-2.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। बहुत ही प्यारा सा बूट बना है और यहाँ से देखिए ऐसे आराम से आएगा ये। यहाँ से मैंने इसको बनाना शुरू किया है और यहाँ पे आके मैंने इसका एंड किया है। बहुत ही प्यारा सा बना है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। अगर आप इसमें सेम इतने ही साइज का 1 साल से लेके और 2-2.5 साल के बच्चे के लिए बुनना चाहते हैं तो आप सेम ऐसे ही बुन लीजिएगा जैसे मैंने इसको बुना है। फंदे यहाँ से नॉर्मल डाले हैं और थोड़े से लूज फंदे डाले हैं। और आप इसमें और छोटा बुनना चाहते हैं तो यहाँ पर 4 फंदे कम डाल लीजिएगा और 1 फ्लावर 2 फ्लावर कम बना लीजिएगा तो ये छोटे साइज में बन जाएगा। और आप इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो 4 फंदे यहाँ ज़्यादा डाल लीजिएगा और 1 फ्लावर और बना लीजिएगा तो ये बड़े साइज में बन जाएगा। 1 फ्लावर में हमारे 4 फंदे बढ़ते जाएंगे, 4 यहाँ बढ़ जाएंगे, 4 यहाँ, तो ये बड़ा साइज बन जाएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी। बहुत ही प्यारा सा बूट बना है। शूज है, जुराब कहिए, जूती कहिए या बेबी बूटीज कहिए, बहुत ही प्यारे डिजाइन में मैंने इसको बनाया। तो चलिए इसको बुनना शुरू करते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम फंदे डालेंगे। तो फंदे हम इस डार्क कलर से डालेंगे और फंदे डबल धागे से डालेंगे। इस तरह से धागे को डबल करेंगे, इस तरह से एक नोट लगाएंगे और फंदे बना लेंगे। ऐसे नोट लगा के एक फंदा बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए, यहाँ से डबल धागे को अंगूठे पे लेंगे, सिंगल को उंगली पे, डबल के नीचे से सिलाई डाल लेंगे, सिंगल का फंदा बनाएंगे, फिर से डबल के नीचे से डाल लेंगे और सिंगल का फंदा बनाएंगे। ऐसे बुन लेंगे 4, 5, 6, 7, तो इसी तरह से हम यहाँ पर 37 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फंदे डाल लिए हैं। अब हम बुनना शुरू करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है। यहाँ से धागा अपनी तरफ और सिलाई को अपनी तरफ करते हुए इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे। ऐसे धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा बुनेंगे। इसी तरह से हम उल्टे उल्टे बनाते हुए यहाँ पर टोटल 8 सिलाइयाँ हम बुन लेंगे। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 8 सिलाइयों का बॉर्डर बुन लिया है। उल्टा उल्टा बुनते हुए 4 धारियाँ हमारी बन के आ गई है, राइट साइड है। अब हम यहाँ से सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो 37 फंदे हैं। तो देखिए, 18 फंदे हम यहाँ पे रखेंगे, 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 18 लास्ट में रखेंगे, सेंटर में जो फंदा आएगा उस पर हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे। तो देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 2, 18। अब जो ये फंदा है इसके ऊपर हम यहाँ पर मार्कर लगाएंगे क्योंकि हमें पहचान रहेगी सेंटर का फंदा है। अब देखिए, इससे आगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो अब हम यहाँ से डिजाइन डालना शुरू करेंगे। तो सेकंड कलर मैंने ज्वाइंट कर लिया है। यहाँ पर फर्स्ट फंदे को बुनेंगे। जब भी डिजाइन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट फंदा हम सेकंड कलर से बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे, फिर से सेकंड फंदा बनाएंगे। तो इन्हीं 2 फंदों को बार बार रिपीट करते हुए हम सेंटर तक बुन लेंगे। स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे,
स्लिप करेंगे और फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे। आप यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, डिजाइन स्टार्ट करेंगे तो फंदा बुनेंगे और सेंटर वाले के पास आएंगे तो फंदा स्लिप करेंगे, तो डिजाइन अच्छे से बन जाएगा, नहीं तो डिजाइन सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर फंदा स्लिप रखिएगा, स्टार्टिंग में बुनिएगा। तो अब जो ये सेंटर का फंदा है, इस फंदे पे अब हम मार्कर को हटा देंगे यहाँ से। ये हमारा सेंटर वाला फंदा है। अब इस फंदे के हम एक फंदे से पांच फंदे बनाएंगे, एक धागा अपनी तरफ, फिर से दो, बुन लिया तीन, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर बुन लिया, तो ये टोटल हमारे पास देखिए पांच फंदे हो गए। फिर फंदे को गिराएंगे। अब जैसे सेम यहाँ से बनता आया है ऐसे ही बनाएंगे। तो इस इन पांच फंदों के साथ में स्लिप फंदा है तो इसको स्लिप करेंगे, फिर एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे, इसको स्लिप करेंगे तो लास्ट में फिर हमारा बुना हुआ फंदा ही आना चाहिए, तो डिजाइन अच्छे से बन जाएगा। तो फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए सेकेंड रो। तो देखिए जो बुना हुआ फंदा है इस फंदे को हम सीधा ही बनाएंगे, ऐसे सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, जो सफ़ेद फंदा है बुना हुआ इस फंदे को बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, स्लिप फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए को सीधा बनाएंगे। तो सेंटर तक हम इसको ऐसे ही बुनेंगे। तो देखिए सेंटर तक हमने बुन लिया। अब ये स्लिप फंदा है इसको स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो ये एक फंदे से पांच फंदे बनाए थे इनको एक एक करते हुए इस तरह से सीधा बनाएंगे, दो तीन चार और पांच। तो ये पांच फंदे बुन लिए। अब फिर देखिए इसको स्लिप करेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे इस तरह से और इसको स्लिप करेंगे, फिर पीछे की तरफ करेंगे और इस बुने हुए फंदे को सीधा बनाएंगे, स्लिप करेंगे, धागा पीछे, फिर से बुने हुए को बनाएंगे। तो इसी तरह से इस रो को आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड रो बन के कंप्लीट हुई। अब आ जाइए राइट साइड थर्ड रो में। तो देखिए अब इसको पूरी को बेस कलर से बनाएंगे, ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे, स्लिप फंदे को भी बनाएंगे और बुने हुए फंदे को भी बुन लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे पूरी रो को, सभी फंदों को बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से डिजाइन आ जाएगा। तो सेंटर तक बुन लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये फंदा भी हम बुनेंगे। अब जो बीच में हमने फ्लावर डिजाइन डाला है ये पांच फंदे इनको भी सीधा बनाएंगे। यहाँ पर अब कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ जब हम वाइट का डिजाइन डालेंगे सेकंड कलर से ही हम फंदे बढ़ाएंगे। अब फिर आगे के फंदे फिर से ऐसे ही सीधा सीधा बुनेंगे। बहुत ही आसान डिजाइन है और इन्हीं जो चार सिलाइयां मैं बनाऊंगी इन्हीं को ही बार बार रिपीट करेंगे। तो इस पूरी रो को सीधा सीधा बनाएंगे और बैक साइड से भी पूरी रो को सीधा ही बुनेंगे। तो बैक साइड से मैंने पूरी सिलाई को सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। अब जो हमने चार सिलाइयां बनाई इन्हीं को रिपीट करेंगे। तो देखिए जो सेंटर में हमने ये डिजाइन डाला है यहाँ पर हमारे चार फंदे बट गए हैं, एक फंदे से हमने पांच बनाए थे, तो दो फंदे हमारे इस डिजाइन में बट जाएंगे, दो फंदे इस डिजाइन में। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये 18 फंदे थे डिजाइन के, अब की बार 20 फंदे बन जाएंगे और 20 फंदे इस साइड में बन जाएंगे, सेंटर में एक फंदा बनेगा। तो देखिए जो पांच फंदे हैं ये डिजाइन के, ये बीच में पांच फंदे हैं, ये इनके जो सेंटर में फंदा है यहाँ से आप काउंट करेंगे, दो फंदे हमारे बढ़े, पहले 18 थे, अब यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये फंदा हमारा अब सेंटर का है। तो अब हम मार्कर इस सेंटर वाले फंदे पे लगा लेंगे।
यहाँ पे मार्कर लगाएंगे। तो देखिए इस साइड में भी हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 20 फंदे अब इस साइड है और 20 इस साइड है। सेंटर वाले फंदे पर फिर से 5 फंदे बनाएंगे। तो फिर से देखिए सेम ऐसे ही डिजाइन को डालेंगे जैसे फर्स्ट रो में डाला था। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट फंदा बनाएंगे, इसको स्लिप करेंगे, फिर से एक फंदा बनाएंगे, इन्हीं दो फंदों को रिपीट करते हुए सेंटर तक बुन लेंगे। एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा मोती वाला डिजाइन ये डल जाएगा। अब आ गए हम सेंटर के पास। तो ये जो दो फंदे बड़े थे अब फिर एक को यहाँ पे बनाएंगे, इसको फिर स्लिप करेंगे। तो अब जो ये फंदा है हमारा सेंटर का, अब हम इस मार्कर को निकालेंगे, मार्कर को निकालेंगे, यहाँ पर हमें पहचान रहेगी। ये फंदा सेंटर का है, इससे अब हम 5 फंदे बनाएंगे। एक धागा अपनी तरफ, 2 बनाया, 3 फिर से अपनी तरफ, 4 और फिर से बनाया 5। तो 5 फंदे बनाने के बाद इस फंदे को उतार देंगे। अब फिर देखिए यहाँ पर स्लिप फंदा है तो फिर से स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, फिर से एक बनाएंगे, फिर से एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे। तो इसी तरह से करते हुए इस सिलाई को हम ऐसे ही पूरा करेंगे। बहुत ही इजी डिजाइन है, सिर्फ 2 फंदों का डिजाइन है, इन्हीं 2 फंदों को। तो देखिए लास्ट में फिर बुना हुआ फंदा आ गया, और बुना हुआ फंदा आना चाहिए डिजाइन में। तो अब देखिए जैसे मैंने नीचे ये 4 सिलाइयाँ बनाई थी, 2 वाइट की, 2 ब्लू की, इसी तरह से इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट कीजिए। ये मैंने दोबारा से डिजाइन को बना के दिखा दिया है। अब आगे ये सिलाई बनाएंगे, फिर 2 ब्लू की बनाएंगे प्लेन सिलाइयाँ, फिर से वाइट में डिजाइन डालेंगे तो 2 फंदे हमारे फिर से यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब 20 फंदों में डिजाइन है, फिर 22 फंदों में डिजाइन डल जाएगा। सेंटर के फंदे पर फिर से 1 से 5 बनाएंगे। तो इसी तरह से डिजाइन को बढ़ाते हुए मैं इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे कैसे बनाएंगे। तो देखिए लेंथ हमारी कंप्लीट हुई और हमने ये 6 फ्लावर डिजाइन डाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक फ्लावर में हमारे 4 फंदे बढ़े हैं तो 6 फ्लावर में हमारे 24 फंदे बढ़ गए हैं। 12 फंदे इस साइड में बढ़े हैं, 12 फंदे इस साइड में बढ़े हैं, तो 12 और 12, 24। 24 फंदे बढ़ गए 37। 37 फंदे हमने डाले थे तो 24 और 37 को प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पर 61, यानी टोटल 61 फंदे हैं अब हमारे नीडल पे। अब इनको हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ऐसे सीधा सीधा बनाएंगे, और इसकी यहाँ पे दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए यहाँ पर हम 10 सिलाइयाँ, 8 सिलाइयाँ हम इसकी बुन लेंगे। 8 बनाइए या 10 बनाइए, तो इसकी लेंथ को मेजर करते हुए हम इसकी ये सिलाइयाँ बना लेते हैं। दोनों तरफ से इस तरह से हमारी धारी बन के आ जाएंगी। तो ये 5 धारियाँ हम यहाँ पे बना लेंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह से सीधा सीधा बनाएंगे। अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, और जो ये वाइट कलर है इसको यहाँ से कट कर देंगे, क्योंकि आगे का पार्ट अब हमने ये ब्लू कलर से ही बुनना है। ऐसे बनाते हुए दोनों तरफ से बनाएंगे तब हमारी धारी बन के आ जाएंगी। तो इसकी लेंथ को कंप्लीट आगे कर लेती हूँ, फिर आगे बताएंगे आगे कैसे करेंगे। तो ये 5 लाइनें हमारी बन के कंप्लीट हुई, टोटल 10 सिलाइयाँ हमारी बन गई हैं। अब हम इसका नीचे से शोल बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे, टोटल फंदे हमारे पास 61 है, यानी 61 फंदे हैं। 37 फंदे हमने डाले थे, 24 फंदे हमारे यहाँ पर बढ़ गए, 2 फंदे इस डिजाइन में, 2 इसमें, एक फ्लावर में 4 फंदे बढ़े। तो 24 बढ़े, 37 डाले, तो टोटल 61 फंदे बन गए 61। अब इन फंदों को 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो सेंटर के हम 9 फंदे रखेंगे, जहाँ पर हमारा ये फ्लावर है यहाँ पर 9 फंदे रखेंगे। तो 61 में से
जब हम 9 फंदे निकालेंगे तो हमारे पास 52 फंदे बचेंगे। तो 52 में से 26 फंदे हम यहाँ पे स्टार्टिंग में रखेंगे, 26 लास्ट में रखेंगे, बीच में 9 फंदे आ जाएंगे। तो 26 फंदे काउंट करते हुए हम यहाँ पे मार्कर लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो यहाँ पर एक मार्कर लगा लेंगे। तो ये मार्कर लगा लिया है। अब यहाँ से 9 फंदे काउंट करेंगे, 2, 4, 6, 8 और 1, 9। एक मार्कर हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से लगा लेंगे। तो ये 3 भागों में फंदे डिवाइड हो गए। अब देखिए यहाँ से अब हम बुनेंगे। तो मार्कर तक हम बुनते जाएंगे। तो ये 26 फंदे हमने बुन लिए। अब इस मार्कर को हम यहाँ आगे की तरफ करेंगे। अब देखिए जो ये 9 फंदे हैं हमारे पास, इसमें से हम 8 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये फंदा है सेंटर का, इसको लेंगे ऐसे, मार्कर को निकालेंगे और ऐसे इसको पलट लेंगे। अब आगे से एक फंदा लेंगे और ऐसे 2 का एक बैक लूप से करेंगे इस तरह से। अब यहीं से ही टर्न करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे और फिर से ऐसे ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब धागा अपनी तरफ। अब देखिए ये लास्ट फंदा है, इसको लेंगे ऐसे, मार्कर को निकाल देंगे, इसको वापस लेंगे। ये हमारा सेंटर वाला 9वां फंदा है, जो सेंटर में फंदे थे, और यहाँ से एक फंदा लेके 2 का एक करेंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। अब इस फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे। अब फिर देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 फंदे बुनेंगे। ये 9वां फंदा सेंटर का है, इसको लेंगे और ऐसे पलटेंगे, इसको सीधा करेंगे, आगे से एक फंदा लेके और बैक लूप से ऐसे 2 का एक करेंगे इस तरह से। तो यहाँ से फंदे घटते जाएंगे दोनों तरफ से, और सेंटर में 9 फंदे हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो इसको इसी तरह से घटाते हुए जब हमारे यहाँ पर 4 फंदे यहाँ बचेंगे और 4 यहाँ बचेंगे, तब तक हम इसके सभी फंदे घटाते जाएंगे। यहाँ से बैक में आएंगे, इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे ऐसे, और 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, धागा अपनी तरफ। ये 9वां फंदा है, आगे से एक फंदा लेंगे और ऐसे 2 का एक करेंगे, फिर यहीं से ही वापस मुड़ेंगे। तो इसी तरह से घटाते हुए हमारे देखिए सेंटर में फंदे इस तरह से 9 फंदे रहेंगे, दोनों तरफ से घट जाएंगे। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना भी बड़े साइज में आपने बनाना हो ये फ्लावर आप बढ़ाते जाइएगा यहाँ से। तो फंदे हमारे हर एक फ्लावर में 4-4 फंदे बढ़ते जाएंगे। और इसे छोटा बनाना है तो एक फ्लावर आप कम कर लीजिएगा और यहाँ पर 4 फंदे कम डाल लीजिएगा। बड़ा बनाना है तो 4 फंदे ज़्यादा डाल लीजिएगा, तो डिजाइन सेम ही बन के आएगा। इसको स्लिप करेंगे, फिर से ऐसे ही पीछे ही रखेंगे और यहाँ से फिर 2, 3, 4, 5, 6,
सात आठ। अब इसको लेंगे ऐसे पलटेंगे इस तरह से और आगे से एक फंदा लेके दो का एक करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से दोनों तरफ हमारी ये चैन सी बनती जाएंगी घटे हुए फंदे की और सेंटर में हमारा पार्ट बनता जाएगा। तो लास्ट तक मैं बना लेती हूँ, लास्ट में चार फंदे रहेंगे यहाँ पर, चार यहाँ पर, फिर आगे इसकी एडी की शेप बनाएंगे। तो यहाँ तक हमने फंदे घटा लिए। अब हमारे साइड में चार फंदे यहाँ पर हैं और चार फंदे इस नीडल पे हैं, सेंटर में हमारे ये नौ फंदे हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब देखिए नौ है तो एक स्लिप किया, दो तीन चार पाँच छ और सात। अब देखिए यहाँ से हम दो फंदे लेंगे और यहाँ से एक लेंगे, तो इन तीन फंदों में ये सेंटर में से दो फंदे लेंगे और आगे से एक फंदा लेंगे और तीन का एक बैक लूप से ऐसे सीधा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम एडी की शेप बनाएंगे, तो यहीं से टर्न करेंगे। अब देखिए फिर से इसको स्लिप करेंगे जो तीन का एक किया है, धागा पीछे करेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः। अब हमारे पास ये टोटल आठ फंदे थे, यहाँ पर हमने दो का तीन का एक किया तो अंदर से दो फंदे कम हुए। तो ये यहाँ पर दो फंदे लेंगे सेंटर से, एक आगे से, तो धागा अपनी तरफ करेंगे इस तरह से और दो सेंटर के एक आगे से तीन का एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो अब यहाँ से ऐसे करेंगे, अब एक फंदा सेंटर से घटेगा एक यहाँ से घटेगा, तो इसको स्लिप करेंगे। अब देखिए एक दो तीन चार और पाँच। अब ये दो सेंटर के लेंगे, एक आगे से लेंगे, तीन फंदों में सिलाई डालेंगे और बैक लूप से तीन का एक बनाएंगे इस तरह से। अब फिर यहीं से ही टर्न करेंगे, इस फंदे को स्लिप करेंगे, तीन का एक किया है, धागा पीछे करेंगे, अब यहाँ पर तीन फंदे बनाएंगे, एक स्लिप किया, एक ये दो तीन चार। तो ये तीन फंदे बुने, एक स्लिप किया, टोटल चार, धागा अपनी तरफ। अब सेंटर से दो फंदे लेंगे और आगे से एक लेंगे तो तीन का एक बनाएंगे ऐसे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे स्लिप करेंगे, अब यहाँ से एक फंदा बनाएंगे। अब सेंटर से दो फंदे लेंगे, आगे से एक लेंगे और तीन का एक बुनेंगे, एक फंदा और बुनेंगे। अब ये दो सेंटर के एक आगे से फंदा लेके इस तरह से तीन का एक बनाएंगे इस तरह से। अब उतारेंगे, अब धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे, अब यहाँ पर एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, दो सेंटर के लेंगे, एक आगे से लेंगे, तीन का एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर यहीं से ही टर्न करेंगे। तो इस फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ, धागा पीछे ही रखेंगे, अब दो सेंटर के एक आगे से, तीन फंदों का एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो अब हमारे पास है तीन फंदे, दो सेंटर वाले ये, एक ये साइड में। तो अब देखिए यहाँ पर तीन का एक फंदा, दो सेंटर के एक साइड से तीन का एक बनाएंगे। तो इस तरह से इसको टाइट करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा ये नीचे से शॉल बन जाएगा और ये एडी की शेप हमारी बहुत ही अच्छे से बन के आई है। अब इस धागे को हम थोड़ा सा लंबा काटेंगे क्योंकि इसी से ही हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ से काटेंगे और इसके अंदर से इसको फंदे के अंदर से निकाल के ऐसे इसकी यहाँ पे नोट लगाएंगे ऐसे। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये एडी की शेप बनी है। अब हम सिर्फ यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे।
अब इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हम इसकी सीधी तरफ से ही करेंगे, डिजाइन के अंदर देखिए डिजाइन को मिलाएंगे, सेम धारी के अंदर धारी को मिलाते जाएंगे। तो देखिए अब कैसे इसकी सिलाई करेंगे, तो यहाँ से इसके अंदर डालेंगे और अब यहाँ से इसके अंदर डालेंगे। फिर इससे आगे वाली धारी में डालेंगे, फिर यहाँ से डालेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि इसकी सिलाई हमने कहाँ से की है। तो अब फंदा देखिए यहाँ से लेंगे इस धारी का, अब यहाँ से लेंगे इस तरह से। धारी के अंदर हम धारी को डिजाइन के अंदर डिजाइन ऐसे मिलाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो अब यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, बारीक बारीक टांग के लगाते हुए देखिए इस तरह से। अब इस डिजाइन के अंदर डिजाइन को मिलाएंगे, ऐसे सेम डिजाइन के अंदर डिजाइन मिलाएंगे और फिर इसकी सिलाई करेंगे। अब इस डिजाइन के अंदर से डालेंगे जो ब्लू डिजाइन है, अब देखिए ऐसे मिलाएंगे। अब इस डिजाइन के अंदर से यहाँ से डालेंगे, बराबर डिजाइन बनता आ जाएगा। अब यहाँ से सुई डाल लेंगे, फिर इस तरफ से डाल लेंगे, तो फिर यहाँ से डाल लेंगे और यहाँ से डाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई करेंगे। पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से सिला हुआ है, यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। तो देखिए बनने के बाद फाइनल लुक हमारे बूट की इस तरह से बन के आई है। बहुत ही प्यारा सा बेबी बूट, बेबी शूज का ये बहुत ही सुंदर डिजाइन में ये बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बहुत इजी ढंग से मैंने आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। तो अगर आपको मेरा ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगा। थैंक यू।